अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने दिखाया था, आई वाज इन माय मदर्स होम। तो रात को बैठे ना हम ऐसे कुछ मीठा खा रहे थे, और बस 2 से 3 दिन हम रुक चुके थे। अपने जो है वो वापस जाना था। ये वाली कबर्ड जो मैंने दराज से मंगवाई थी लास्ट व्लॉग में, मैंने बस पिक्चर शेयर कर दी थी, काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, स्पेस ठीक थी। लेकिन अम्मी अबू कह रहे थे थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस होनी चाहिए थी, बट आई थिंक इतने पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी स्पेस इनफ थी। 2300 समथिंग की थी ये। और उसके बाद मैं और मेरा भाई और मेरी सिस्टर हम लोग जरा गोलगप्पे खाने, थोड़ी सी नाइट आउट करने, थोड़ी सी याशियाँ करने, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे पर फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, और नेक्स्ट डे मैं अपने घर आ गई। तो अपने कमरे को देख के जो सुकून, जो ठंडक मिलती है ना, मैं गॉड आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और फिर घर आते ही जब मैंने अपना सामान वगैरह रखा, कबर्ड जो है वो मेरी काफ़ी मैसी हुई हुई है, थोड़ी सी जो वो सेट करने वाली हुई हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो वो बिस्किट्स वगैरह रख दिए थे जो आप ही ने मुझे दिए थे, भेजे थे, और ये मेरे हस्बैंड के लिए जो मैंने मंगवाए थे एयरपॉड्स। उसके बाद दोपहर को जब मेरे हस्बैंड आए, तो मैंने उनके साथ बैठ के जो है वो चाय शाय पी, और सारे जो है ना वो हमने बिस्किट ट्राई किए। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो फाइनली, अब मैंने 3 दिन इंतज़ार किया है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ के जो है वो बिस्किट खाने हैं, तो अब मैं ना इसको खोलती हूँ। सबसे पहले ये बिस्किट ट्राई किया, और ये अनफॉर्चुनेटली एक ही पैकेट था, और ये बहुत मज़े का था, ये बस ठीक था। फिर ये ट्राई किया, और हमने एक ही टाइम पर जो है ना वो 2-3 बिस्किट ट्राई कर लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो खोल रहे थे चॉकलेट को, कि उसका जो है ना आगाज मैं करता हूँ, एंड उनको यहाँ पर पता नहीं था कि ये क्या है। और उनको ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, कहते हैं मेरी शक्ल ना लेके आओ, मैंने टोपी नहीं पहनी भी, मैं अजीब लग रहा हूँ। उसके बाद जो है बस वो इसी को देख ही जा रहे थे, खुश हो ही जा रहे थे कि कौन सा ब्रांड है क्या। उसके बाद ये वाले बिस्किट हमने खाए, मेरे हस्बैंड मुझे कहते इनका नाम देखी, मैंने कहा देख लिया, कहते अब ये तू ही खाई, ये मज़े के नहीं थे। उसके बाद हम लोग लेटे हुए थे, तो बस ऊपर से जो है वो मेरी देवरानी आई हैं हमारे लिए, जो वो कबाब शबाब ले आई हैं। जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको मिलती है ना, तो उसकी खुशी रात को और बहुत होती है। जोर का उसके बाद सोडा जो है ना ऐसी बस दिन गुजर गए। और यहाँ पर अब्दुल्ला टाइम तो दिखाने दो, मुझे एक मिनट लाइट चलाओ। ये आप देख सकते हैं 11:15 हो गए। मुझे इतनी नींद आ रही थी, और मेरे हस्बैंड की ज़िद थी कि नहीं मेरे साथ ही चलोगी सोडा पीने। तो बस फिर हम लोग गए, और सारे मतलब सिटी में जो है ना वो 12 रबी अव्वल की वजह से, मतलब मॉर्निंग में जो वो 12 रबी अव्वल था, लाइटें शाइटें लगी हुई थी हर जगह पर, जो वो स्टॉल्स लगे हुए थे, और लोग आ रहे थे जो आ रहे थे, रौनक सी थी एक, और पूरा बाज़ार जो है, पूरी जो मेन रोड्स जो है ना वो क्लीन हो रही थी। उसके बाद फाइनली पूरा सिटी जो है ना वो छानने के बाद, ये देखिए ये मुझे लाइटें बड़ी प्यारी लग रही थी, ब्लू सी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ब्लू लाइटें। किसी के घर अगर चाहती हो ना आप ब्लू और सी ग्रीन, नेवी ब्लू और सी ग्रीन कलर की लाइट्स लगवाएं, ओ माय गॉड बहुत अच्छी लगेंगी। उसके बाद हम अपने जो है ना कॉर्नर पर पहुंच गए थे, कोल्ड कॉर्नर पर, जहाँ से हमने सोडा पीना था, सोडा लिया। और आप मेरे हस्बैंड के काम चेक करें, सोडा पीने आए थे, यहाँ से दूध सोडा ले लिया उठा के, जो कि बिल्कुल मज़े का नहीं था। उसके बाद हम लोग बेकरी पर गए, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये पेस्ट्री खानी थी, कैरामल क्रंच, आजकल उनको बहुत अच्छी लगी थी। और आप देखें कोई रश नहीं है, 12 बजे यहाँ पर बज रहे थे, और एक मैं पागलों की तरह जो है वो यहाँ पर चीज़ें ले रही थी, सब कुछ खाली था। उसके बाद मेरे कहा चलो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, मैंने आइसक्रीम ली, और फिर मैंने कुछ जो है ये कैनन्स की प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो चेक की, एंड दैट्स इट। उसके बाद बिल शिल करवाया और मैं वापस आ गया। मैंने रस्ते में जो है ना बाइक पर बैठे बैठे ये आइसक्रीम खाई, और घर आके उनकी चीज़ उनको हैंड ओवर की, एंड दैट्स इट। ओके बाय।